Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss our concept number 6 of chapter 1. अभी तक हमने 5 कंसेप्ट स्टडी कर लिए हैं. फर्स्ट कंसेप्ट में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग स्टडी किया था. सेकंड और थर्ड में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा था. फोर्थ में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फिफ्थ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी किया था. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमें मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है. वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक. वेरी इजी, अगर आप इस टॉपिक को अदर टॉपिक्स के साथ रिलेट करके स्टडी करोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा. चलो लेट्स स्टार्ट. पहला टॉपिक है ग्रुप गोल्स, अचीविंग ग्रुप गोल्स. देखो ये तो अब आप समझ चुके हो कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान सुनना, सिर्फ और सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए ही किया जाता है. विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो. पढ़ते हैं. Since management is a goal-oriented process, it creates teamwork and coordination in the group. जो कि management is a group activity, हमने सीखा था ये characteristics के अंदर. Without management, business organizations may not be able to survive in the market. दोबारा पढ़ो. Without management, business organizations may not be able to survive in the market. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट नहीं लगा रही, जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं कर रही, जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं कर रही, जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं कर रही, अपने काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं कर रही, वो ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती. और अगर सर्वाइव नहीं कर सकती तो प्रॉफिट और ग्रोथ तो सोचो भी मत. इतना इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है. सेकंड इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग योर टास्क करेक्टली विद यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में. कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो आपके रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करना सिखाती है. मैनेजमेंट ही है जो आपको बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो, कैसे अपनी वेस्टेज को कम कर सकते हो, कैसे अपने डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हो. इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद मिनिमम कॉस्ट. तो मैनेजमेंट ही है जो आपको आपके रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करवाती है और आपके गोल्स को अचीव करवाती है विद मिनिमम कॉस्ट. तो मैनेजमेंट का सेकंड बेनिफिट है कि ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है. फर्स्ट एडवांटेज क्या था कि ये आपके गोल्स को अचीव करवाती है और गोल्स को अचीव भी करवाती है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है. थर्ड इज क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट. दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर बिजनेस एक इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है और इन्वायरमेंट का नेचर क्या होता है? इन्वायरमेंट का नेचर होता है चेंज होना. और अगर आप इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे. तो मैनेजमेंट ही है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और कंपनीज को हेल्प करती हैं कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ के अंदर. मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग इन्वायरमेंट. मैनेजमेंट ही है जो एम्प्लॉइज को हेल्प करती है कि वो अपने आप को चेंज करें और चेंजेस को एक्सेप्ट करें टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो इतना इम्पोर्टेंट है. तो मैनेजमेंट हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में. तो क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट. फोर्थ इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपने हमारा कंसेप्ट नंबर 5 देखा है, उसमें हमने सीखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. मीन्स एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिट्स, एम्प्लॉइज़ को गुड सैलरी पे करना, गुड्स बेनिफिट्स, पर्क्स देना, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन तैयार करना उनके लिए, उनको जॉब सिक्योरिटी देना, बोनस देना, प्रॉफिट शेयरिंग देना। तो मैनेजमेंट सीक्स टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेट्स होते हैं और इन असेट्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाई करने में, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहें और अपने आउटपुट को बढ़ाएं, अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो मैनेजमेंट सीक्स टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय बाय वे ऑफ फुलफिलिंग देयर फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर नीड्स। रीड अगेन, मैनेजमेंट सीक्स टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय वे ऑफ फुलफिलिंग देयर फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर नीड्स, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहेंगे और अपने काम को अच्छे से करेंगे, अपना 100% देंगे कंपनी की ग्रोथ में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो प्रोड्यूस करें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ये नहीं कि अब वही ना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो लेकिन बहुत महंगे बेच रहे हो, अफोर्डेबल नहीं है। तो आपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं मार्केट में, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पे, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो आप मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करती है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी एफर्ट्स लेती है, उनके लिए स्कूल्स ओपन करवा देना, हॉस्पिटल्स ओपन करवा देना। इसके अलावा बहुत सारे अदर मेजर्स भी होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट में। तो हेयर वी हैव फाइव इम्पोर्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और की ही इसलिए जाती है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सको। सेकेंड इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, कैसे, आपके रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करके। थर्ड इज क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट। आपको हेल्प करती है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने आप को चेंज कर लो। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती वो बहुत जल्द मार्केट से आउट हो जाती हैं। फोर्थ इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी सेटिस्फाई करती हैं और साथ ही साथ सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी एक्टिविटीज़ करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सॉरी इम्पोर्टेंसेस हैं। आई होप आपको ये समझ आए हैं, आप बार बार रीड करें और अच्छे से समझें। बाय, थैंक यू।